उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बाइनरी डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स की बेस वैल्यू अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स एक चीज और बताना चाहता हूँ, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है, जिसमें हमारे पास 0 और 1 दो नंबर्स आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी बताता चलूं कि मेरे पास डेसिमल नंबर्स की बेस क्या होती है, 10 होती है। डेसिमल नंबर्स की बेस में 0 से 9 तक वैल्यूज आती हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद जिस तरह से हमने ऑक्टल नंबर्स को डिस्कस किया था, ऑक्टल नंबर की बेस होती है 8 बेस होती है, जिसमें 0 से 7 नंबर्स आते हैं। और हेक्साडेसिमल मेन चीज इंपॉर्टेंट हेक्साडेसिमल है, जिसमें हमारे पास बेस 16 होती है। लेकिन स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने तो बताया था कि 0 से 9 के बाद कोई हमारे पास डिजिट होते ही नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स 0 से 9 के बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक हम उसको एंड कर देते हैं, क्योंकि 0 से 15 तक हमारे पास हेक्सा की फॉर्म आती है। हेक्सा की फॉर्म 0 से 15 तक आती है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि 10 से ए स्टार्ट हो जाता है, ए 11, बी 12, सी, इसी तरह से आगे 100, 115 तक चलता है। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट्स अभी कह रहा है कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स में क्वेश्चन आएगा, हमें किस तरह से पता लगेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें किस तरह से पता लगेगा कि कौन सा नंबर डेसिमल में है, कौन सा नंबर बाइनरी में है, कौन सा ऑक्टल में है, कौन सा हेक्साडेसिमल में है। तो स्टूडेंट्स ये बता रहा हूँ आपको कि बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है, 2 होती है। हमें बाइनरी से अंडरस्टैंड होगी कि ये अब नंबर कौन सा है, बाइनरी नंबर है। यहाँ पे छोटा सा उसकी बेस 2 उन्होंने दी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइनरी से मूव होना है डेसिमल की तरफ, ऑक्टल की तरफ। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अब ये नंबर डेसिमल है, डेसिमल को मैंने क्या किया, डेसिमल से स्टार्ट किया है, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिस तरह से उसने बोला डेसिमल नंबर्स को मैंने ये कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। अब मैंने क्या लिया स्टूडेंट, डेसिमल नंबर को लिया। अब जहां भी इसकी बेस 10 थी, समझाने के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 लिखा था कि ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे और मैंने किस तरह से उसको फॉर्मेशन में लेके आगे कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स अब जहां पे 78 है ये डेसिमल नंबर्स में है, अब डेसिमल नंबर्स से मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इसको 2 के साथ, मैं इसको एलसीएम की बेस पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। अब जहां पे 2, 3, 6, 7 में से 6 निकाला, 1 बच गया, 1 8 के साथ गया तो वो 18 बन गया, 2, 9, 18, यानी कि यहां पे पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो मैंने कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैं इसको 39 को अगेन 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 अंदर 2, उसके बाद 3 में से 2 निकाला, 1 बचा, 1 9 के साथ ऐड हो गया, 19 आ गया। अब 2 के टेबल पे कहां पे जाता है 19, जी 2 के टेबल पे 19 नहीं जाता। तो स्टूडेंट्स मैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि डिवाइड करूंगा, 2, 9, 18, देन मेरे पास 1 रिमाइंडर में बच गया। तो 1 स्टूडेंट्स मैंने रिमाइंडर में लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स 19 है, अगेन 19 की बेस वैल्यू कंसीडर आ रही है, तो मैंने क्या किया, 2, 9, 18, देन अगेन मेरे पास 1 रिमाइंडर में बच गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 2, 4, 8, उसके बाद 1 रिमाइंडर में बचा तो 1 आ गया, 2, 2, 4, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचता है, 0 बचता है। उसके बाद 2, 1, 2, देन मैंने मेरे पास क्या बच गया, 0 बच गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको लिखने का पैटर्न किस तरह से, लिखने का पैटर्न इस फॉर्म फॉर्मेट में है। मैंने लास्ट से स्टार्ट करना है 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ये देखें 1, 0, 0, 1, 1, 1, and 0। अब मैंने डेसिमल नंबर से स्टूडेंट से कन्वर्ट किया है, डेसिमल नंबर से मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्जन किया है। तो मैंने बाइनरी की मेरे पास बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था 2 होती है, तो मैंने 2 बेस लगा दी, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में मूव हुआ है। तो स्टूडेंट यहीं पे आप लोगों का पहला जो पार्ट है उसका मैंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट उसके बाद मैं क्या करने लगा हूं, मैंने उसी डेसिमल नंबर को लेना है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या पता ऑक्टल की क्या बेस होती है, 8 होती है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को तमाम नंबर्स की बेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमने किस तरह से बेस वैल्यू किसके साथ इसको डिवाइड करना है। 78 आप 78 8 के टेबल में जाता है, जी नहीं जाता, उससे छोटा नंबर शायद जाता है। अब 8 times 80 और उसके बाद 8 times 72, 78 में से 72 निकाला तो मेरे पास क्या बचता है, 6 बचता है, रिमाइंडर में 6 आ गया,
उसके बाद मैंने यहाँ पे सिक्स लिख दिया, उसके बाद एट वन का एट, अब नाइन से भी देखते हैं छोटा, जाहिर सी बात एट टू का सिक्सटीन नहीं कर सके, एट वन का एट ही करेंगे, तो एट वन का एट करेंगे नाइन में से एट निकाला तो वन मेरे पास रिमाइंडर में बच गया। अब दोबारा से इसको लिखने का पैटर्न अगेन वन वन सिक्स, वन वन सिक्स मैंने लिख दिया, तो इसके बाद मेरे पास इसकी बेस वैल्यू क्या है, एट बेस वैल्यू है, तो मैंने डेसिमल नंबर से मैंने ऑक्टल में कन्वर्जन कर दी जो जिसकी 169 और उसकी बेस वैल्यू को स्टूडेंट्स आज मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आ भी सकती हैं, मैंने दो काम कर दिए यहाँ पे, दो मेथड कर दिए, अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हेक्साडेसिमल की तरफ मूव होते हैं, हेक्साडेसिमल में क्या कहा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है। 78 को मैंने लिया दोबारा से, अब मैंने 78 को उस नंबर के साथ मैंने डिवाइड करना है ताकि मेरा आंसर 78 से ना स्मॉलर आ सके या 78 के इक्वल आ सके। तो मैं क्या करूंगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 16 4 64, अब 78 में से 64 मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या वैल्यू बचती है, 14 रिमाइंडर में स्टूडेंट वैल्यू बचती है। अब 14 रिमाइंडर में मेरे पास वैल्यू बच रही है, तो अब मैं जाहिर सी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि हेक्साडेसिमल में मैंने 14 को नहीं लिखा, 14 की जगह से मैंने कुछ नंबर्स को रिप्लेस किया हुआ है अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स के अंदर, वो मैं आपको लिख देता हूं। अब यहां पे 10 मेरे पास क्या आ रहा है, 10 ए आ रहा है, 11 बी आ रहा है, 12 सी आ रहा है, 13 डी आ रहा है, 14 ई आ रहा है, एंड देन 15 एफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये नंबर्स आप लोगों को नहीं भूलेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने पुट करने हैं, ए बी सी डी ई एफ के अगेन से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, नंबर्स मेरे पास 185 है, अब मैंने 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में मेरे पास 9 बचेगा, अब 9 बचेगा, अब देन सॉरी स्टूडेंट्स अब इस चीज को डिस्कस कर रहे थे 16 4 64, अब 14 को मैं डिस्कस कर रहा था, 14 की जगह मैंने क्या इनपुट कर दिया, 14 की जगह मैंने इनपुट कर दिया। अब जहां पे इसके बाद इसको लिखने का पैटर्न एक और भी है, अब जहां जहां इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं लग रही, तो अब जहां पे ये ई के इक्वल हो गया, अब यानी कि ई इसको इसी तरह से लिखे स्टूडेंट्स, क्योंकि 16 0 का 0 नेक्स्ट स्टेप में होगा, एक नए मेथड में होगा, उस क्वेश्चन को हम अगले एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपने 16 4 64 14 बचा, तो मेरे पास क्या बच गया, 4 और ई इस फॉर्म में आ गया, तो इसको इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, 16 0 का 0, ठीक है, 16 0 का 0, तो क्या बचा 4, देन 0 4 ई, यानी कि 4 से पहले हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ये रूल होता है, जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने आप लोग स्टूडेंट्स इसी तरह से लिख लें 4 और ई, इसको मत आगे सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बाइनरी नंबर्स, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल से रिलेटेड। अब मैंने 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसके अगेंस्ट 9 बचता था, अब 9 बचता था, अब देन 16, 11 भी कोई वैल्यू होती है, यहां पे मुझे स्टूडेंट्स यहां पे चीज करनी पड़ेगी, 16 0 का 0 और रिमाइंडर में क्या बच रहा था, 11 बच रहा था, तो 11 बच रहा था क्योंकि 11 हेक्साडेसिमल में मेरे पास बी की फॉर्म में आ रहा है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई किया। मैंने यहां पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि 4 जो आ रहा है, 4 मेरे पास हेक्साडेसिमल में न्यूमेरल की फॉर्म में आता है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में आता है, वो काउंटेबल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 11 हेक्साडेसिमल में काउंटेबल फॉर्म में किस फॉर्म में आएगा, एबीसी की फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम एग्जांपल वाले अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। हम एक नए मेथड की तरफ चलते हैं, अब कन्वर्ट 0.3 इनटू हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट्स अब मेरे पास डेसिमल फॉर्म में उसने मुझे दे दिया, पॉइंट फॉर्म में दे दिया कि मैंने इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, आपको पता है हेक्साडेसिमल की स्टूडेंट्स बेस 16 होती है, मैंने 16 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बचा, 4.8, रिजल्ट में मेरे पास 4.8 आया। अब स्टूडेंट्स जहां पे आप
देख रहे होंगे कि सर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट और टेबुलर पार्ट के फॉर्म के अंदर यानी कि इनके प्लेसिंग की है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, यहां पे स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और पॉइंट से पहले वाला नंबर कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, और इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है। अब उसके बाद मैंने पॉइंट के बाद वाला नंबर मेरे पास क्या है, 8 है, 8 यहां पे आ गया, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है, 4 है, 4 मेरे पास इंटीग्रल पार्ट में आ गया। उसके बाद अब इंटीग्रल पार्ट से रिलेटेड ही ना मैंने उसको मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रल पार्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.8 है, 0.16 को 0.8 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देन जब मैंने चेक किया 12.8 आया, अब 12.8 में मेरे पास स्टूडेंट्स जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट अगेन क्या आ गया, मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट 8 आ गया, इंटीग्रल पार्ट 12 आ गया। अब इंटीग्रल पार्ट मेरे पास 12 हेक्साडेसिमल में स्टूडेंट्स क्या होता है, सी की फॉर्म में होता है। तो अब मैंने इसको फर्दर में आगे मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करता हूं क्या दोबारा रिपीटेड फॉर्म में सी की फॉर्म में तो नहीं आ रहा। अब मैंने जब ये 16 को अगेन फ्रैक्शनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 था, 16 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12.8 अगेन स्टूडेंट्स मेरे पास वो ही रिजल्ट में आ गया 12.8। अब मैंने क्या करना है, इसमें जो भी फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करना है, इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करना है। फ्रैक्शनल पार्ट स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया, 8 आया, और इंटीग्रल पार्ट क्या आया, स्टूडेंट 12 आया। अब यानी कि रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, आगे मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास दो प्लेसिंग में आ गई है। अब 0.4 0.4 अब जीरो लगाना है सबसे पहले, ये 4 और सी 0.4 सी मैंने इस फॉर्म में लिखते हैं, तो मेरे पास ये 0.3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल के अंदर। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी एग्जांपल्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, तो आगे फर्दर जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।